असलम मैं महमूद शहैब एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ आज की वीडियो जॉब रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ़ एच का दूसरा पार्ट है इससे पहले पार्ट में हम एट मैन रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एच को डिस्कस कर चुके हैं आज मजीद मेन रिस्पांसिबिलिटीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे उसको समझेंगे डिटेल के साथ उसमें सबसे पहले है इंस्पेक्ट प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन पी फंड्स मीटिंग्स कम्युनिटी अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें से बजट एस एन &E ई यानी शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर सेंशनज ऑफ बिल्स पेंशन केसेस, मेंटेन कॉरस्पॉन्डेंस यानी खत व एंड ऑफिस रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक प्रोवाइड टू हिज़ हर ऑफिस स्टाफ अटेंड एंड मेन रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल मीटिंग्स मैंटेन्स ऑफ सर्विस बुक्स पर्सन फाइल्स डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ प्राइमरी स्कूल्स एंड अदर ड्यूटीज़ इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटेल के साथ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आइए हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इंस्पेक्ट प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क एस डी ओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपने सब डिवीज़न में जितने भी प्राइमरी स्कूल जेर तमीर प्राइमरी स्कूल होते हैं उनके तमीराती काम का मुआना करें क्वालिटी का और प्रोग्रेस का और इसके बाद एक कम्प्लीट रिपोर्ट डी ओ को सबमिट करें इंस्पेक्ट प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क एंड कम्प्लीटेड बिल्डिंग्स एंड सबमिट रिपोर्ट टू डी ओ फॉर करेक्ट मेजर्स इफ़ रिक्वाड इसी तरह एसेस्ट द डी ओ इन टेकिंग ओवर After thorough inspections and comparison with administrative approval pc1 pc4 and sign the completion reports yani jab schools ki यानी जब स्कूल्स की hai to हो जाती है तो फिर यही एस ko inspections करता है डी ओ को इंस्पेक्शनस बाकायदा मुआयना किया जाता है जो स्कूल्स complete हो जाते हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो जाती है जो पी सी वन होता है पी सी फोर के साथ उसकी कम्पेरिजन की जाती है फिर और इसके बाद कम्पलीशन रिपोर्ट को साइन किया जाता है इसी तरह प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्कूल्स इन नीड ऑफ प्रिपेयर यही एस डी ओ अपने सब डिवीजन में ऐसे स्कूल्स की एक लिस्ट तैयार करता है जहाँ पर स्पेशल मेजर या माइनर पिट रिपेयर्स की जरूरत होती है फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे स्कूल जहाँ पर फर्नीचर की रिपेयरिंग की जरूरत होती है मुरम्मत की ज़रूरत होती है या जहाँ पर किसी दीवार की मुर्मत की जरूरत होती है या वाटर बोर की ज़रूरत जितने भी पीटी टी रिपियर्स होते हैं तो बाकायदा उनकी एक प्रपोजल तैयार करता है और फिर डीओ को सबमिट करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है और कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के बगैर एजुकेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं किया जाता इसी वजह से पी यानी पेरेंट टीचर कौंसिल का क़ियाम अमल में लाया जाता है तो यही एस क्या करता है

एंड एस पर इंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इंशोर डेट पी टी सी फंड यूटिलाइज फ़ार द करेक्ट पर्पज़ यानी जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ बाकायदा एक काम के लिए स्पेसिफिक काम के लिए फ़ंड्स दिया जाता है तो फिर यही एस डी ओ देखते हैं कि आया जिस काम के लिए ये पैसे दिए गए थे फ़ंड्स दिए गए स्कूल को आया वो यूटिलाइज हो चुके हैं या नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस डी ओ की रिस्पॉसिबिलिटीज में से एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस डी ओ डिपमेंट बजट की तैयारी के अमल की सुपरविजन करता है ही सुपरवाइज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिपमेंट बजट और इसके बाद वो इसी डिपमेंट बजट के प्रपोजल को चेक करता है उसको कंपेयर करता है लास्ट ईयर बजट के साथ इसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है और आखिर में ही सबमिट टू द डी ओ फॉर फर्दर एक्शन उसी बजट प्रपोजल को डी ओ के साथ सबमिट करता है फॉर फर्दर एक्शन इसी तरह ही यूटिलाइज द बजट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्कूल एंड ऑफिस मोनीटर दूटेशन बजट बांग करता है आइटम फॉर विच दोवाडेड इन द बजट तो वो इंश्योर करता है कि जिस काम के लिए जो बजट मुख्त किया गया है आया वहाँ पर वह खर्च हुआ या नहीं हुआ और जो अमाउंट जो अमाउंट है जिन जिस अमाउंट की मंजूरी दी गई है ओ इंश्योर करता है वो मॉनिटर करता है कि वो एक्सीड ना कर जाए सेंक्शन अमाउंट से और एक्सपेंडिचर एस डी ओ एक्ट एज ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर डी डी ओ फॉर हिज हर ऑफिस सर्कल ऑफिस एंड गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ़ द सब डिवीज़न डी कौन होता है ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर होता है जितने भी अकाउंट्स रिलेटेड मैटर्स होते हैं इशूज़ होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल चेक्स होते हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के उनके सैलरी को स्टार्ट करना उनके सैलरी को स्टॉप करना या जितने भी सर्कल ऑफिस होते हैं जहाँ पर ए एस डी ओ यानी असिस्टेंट सब डिविजनल ऑफिसर काम करते हैं उनके अकाउंट्स रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं चेक्स होते हैं अलाउंसेज होते हैं इसी तरह और डिडक्शन होती है उनको साइन करता है एस डी ओ एस एन &E ई शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि वॉट इज एस एन ई &E। तो ये एस एन ई ये एक प्रपोजल होता है जिसमें एक डिटेल एक्सपेंडिचर की एक लिस्ट होती है जितने भी एक्सपेंसिज होते हैं फॉर एग्जाम्पल टीचिंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के सैलरीज uh, और जितने एक्सपेंसिस होते हैं जैसे अलाउंसेज होते हैं तो इनकी एक, एक डिटेल लिस्ट होती है फिर यही एस डी ओ उस प्रपोजल को फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजता है तो अप्रूवल के लिए वैन इट इज़ अप्रूव्ड एडवाइज इज इशूड फॉर इट्स इंक्लूजन इन द नेक्स्ट ईयर बजट एस डी ओ इनश्योर डनी फॉर द न्यूली टेकन अवर स्कूल एंड सबमिट इन टाइम टू डी ओ ही प्रिपेयर एस एनी फॉर दो स्कूल वी आर मोर टीचर्स आर रिक्वाड एज पर एनरोलमेंट तो यह आपको पता होना चाहिए कि एस एनी &E एक प्रपोजल होता है जिसमें डिटेल लिस्ट होती है एक्सपेंडिचर्स की इसी तरह सेंक्शन ऑफ बिल्स जितने भी बिल्स होते हैं फॉर एग्जांपल टी बिल्स होते हैं जीपी फंड बिल्स होते हैं तो यही एस उसको प्रोसेस करता है सबमिट करता है डी को अप्रूवल के लिए ही प्रोसेस एंड सबमिट बिल्स टू डी फॉर अप्रूवल एंड आफ्टर अप्रूवल बाई अथॉरिटी साइन बिल्स ऑफ टी ए फंड एट्सट्रा ही ओकेजनली चेक कैश बुक्स स्टॉक रजिस्टर एंड सी डेट हैव बीन मेन करेक्टली एंड आर अपडेटेड रेगुलरली यानी वो कैश बुक अपने ऑफिस के कैश बुक स्टॉक रजिस्टर और डिफरेंट रजिस्टर को चेक करता है इसी तरह जब वो विजिट करता है प्राइमरी स्कूल्स की इंस्पेक्शन करता है तो अपने इंस्पेक्शन के दौरान भी वो किसी भी प्राइमरी स्कूल के कैश बुक स्टॉक रजिस्टर लॉक बुक जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनको देख सकते हैं कि आया वो मैंटेन हो रहे या नहीं आया दे आर मैंटे करेक्टली एंड आर अपडेटेड रेगुलरली जितने भी पेंशन केसेस होते हैं प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड प्राइमरी स्टाफ से रिलेटेड उनको फॉरवर्ड करते हैं डीओ को अप्रूवल के लिए ही फॉरवर्ड पेंशन केसेस टू द डीओ फॉर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द कम्पिटेंट अथॉरिटी ही मेक श्योर डेट ऑल पेंशन केसेस आर डील प्रॉपरली मेटेन कारस्पॉन्डेंट एंड ऑफिस रिकॉर्ड एस डी ओ की रिस्पांसिबिलिटी में एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने ऑफिस और कारस्पॉन्डेंट रिकॉर्ड को मैंटेन करता है ही रिसीव ऑल कारस्पॉन्डेंट्स एड्रेस टू हिम हिज हर एंड मार्क दिस टू द कंसर्न एच डी ओ एंड सुपरटेंडेंट ही मैंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ सच कारस्पॉन्डेंट्स इन द ऑफिस यानी डेली बेस पर कोई ना कोई लेटर अपर अथॉरिटीज़ की तरफ से यानी डायरेक्ट्रेट या सेकट्रेट की तरफ से आता रहता है या कोई एम्प्लॉई एप्प्लीकेशन सबमिट करता है या कोई लेटर आ जाता है ऑफिस में तो इन तमाम कॉरस्पोंडें जो उसको एड्रेस करते हैं उनके रिकॉर्ड्स को मैंटेन करता है ही मोनिटर मोमेंट्स ऑफ फाइल एंड इन्श्योर नो अन डिलेज जितने भी अप्लीकेशन सबमिट किए जाते हैं जितने भी फाइल सबमिट किए जाते हैं इम्प्लॉज़ की तरफ से स्टाफ की तरफ से तो इन फाइल्स के प्रोसेस की मोनीटरिंग करता है उनके मूवमेंट्स को देखता है और कोशिश करता है कि उसमें कोई अनशिससरी डीले तखिर का शिकार ना हो वो फाइल्स वगैरह इसी तरह ही मेनटेन मूवमेंट रजिस्टर रिगार्डिंग हिज हारवेजर्स जैसे कि हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि एच डी ओ इंस्पेक्शन करता है प्राइमरी स्कूल्स की विजिट्स करता है तो बाकायदा वो अपने विजिट्स की डिटेल मूवमेंट रजिस्टर में नोट uh, करता है पर्पज ऑफ द विज़िट और टाइम को मैंशन करता है ही सी डेट द ऑफिस रिकॉर्ड इज मैंटेन प्रॉपरली एंड सिक्योर ही कीप ऑल कॉन्फिडेंशल रिकॉर्ड इन हिज़ हर ओन कस्टडी अंडर लॉक एंड की इसी तरह मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ये भी एक अहम रिस्पांसिबिलिटी है एच डी ओ की ही ओकेजनली चेक द स्टोर एंड सी डेट द स्टॉक इज कैप प्रॉपरली सेफ़ एंड सिक्योर अपने ऑफिस में देखता है स्टोर्स को देखता है चेक करता है कि स्टॉक कैप प्रॉपरली वो प्रॉपरली है सेफ़ है महफूज़ है फर्नीचर्स है कंप्यूटर्स है रिलेटेड और भी सारे बहुत सारी चीज़ें होती है कि स्टोर में देखता है चेक करता है कि वो महफूज है सिक्योर है इस जितने परचेज हुए हैं जितने खरीदारी की गई है उनके रसीद्स को भी वो देखता है कि आया वो मेंटेन किया गया या नहीं ही मोनीटर डेट द स्टोर परचेज एंड प्रोवाइडेड आर एकॉर्डिंग टू द सैम्पल स्पेसिफिकेशन यानी सैम्पल स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक जो ख़रीदारी की गई है वो आया वो है या नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर्स की ख़रीदारी है तो बाकायदा एक स्पेसिफ़िकेशन होती है उनके रेट्स होते हैं उनकी क्वालिटीज़ होती है तो उसके मुताबिक उन फर्नीचर्स की परचेजिंग की जाती है तो वो देखता है एस देखता है कि मॉनिटर करता है डेट द स्टोर परचेज एंड प्रोवाइड आर द सैम्पल्स स्पेसिफिकेशन और नॉट इसी तरह प्रोवाइड इक्विपमेंट्स टू हिज हर ऑफिस स्टाफ ही इंश्योर डेट ऑल स्टाफ हैसेस टू इक्वमेंट्स एंड मटीरियल रिक्वाइड टू केरी आउट दिय रिस्पॉसिबिलिटीज एंड असाइनमेंट जितने भी उसके ऑफिस में काम्स होते हैं ड्यूटीज़ होती है मौजूद के लिए मुख्तलिफ स्टाफ की लोकेशन होती है रिक्रूट किया जाता है तो बाकायदा उनको मुख्तलिफ एकमेंट्स uh, की ज़रूरत होती है चीज़ों की ज़रूरत होती है तो यही एस डी ओ कोश करता है इंश्योर करता है कि तमाम स्टाफ को एक्सेस हो उन एकट्स की उन मटीरियल्स की ताकि वो अपनी ड्यूटीज जो उनको असाइज ड्यूटीज़ है आसानी से वो उसको फुलफिल कर सके ही इन्शोर द प्रोफेशनल अपेयरेंस ऑफ द ऑफिस एंड दियर इज़ अ कंड वर्किंग इन्वामेंट फॉर आल स्टाफ एस डी ओ अटेंड एंड मैंटे रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल मीटिंग जितने भी ऑफिशियल मीटिंग्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स को भी मैंटेन करता है उन मीटिंग्स को अटेंड करता है ही अटेंड ऑफिशल मीटिंग्स आर डिप्यूटी रिप्रजेंटेटि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बिज़ी है मसरूफ़ है किसी और काम में तो बाकायदा वो अपनी जगह किसी को डिप्यूट करता है रिप्रजेंटेटि नुमाइंदे को फिर वो नुमाइंदा उस मीटिंग को अटेंड करेगा इफ़ ही शी इज़ बिजी इन अदर इम्पोर्टेंट मीटिंग्स ऑफिशियल बिजनेस एस डी ऑल्सो कॉल पेरॉडिकल मीटिंग्स ऑफ स्टाफ एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ही रिकॉर्ड एंड इशू मिनट्स ऑफ आल द मीटिंग्स एंड फॉलो एक्शन ऑफ द डिसीजन टेकन इन द मीटिंग्स ही कीप रिकॉर्ड ऑफ़ द मीटिंग्स एंड नोमिनेट एन ऑफिसर ऑफ ऑफिस फॉर द पर्पज़ बाकायदा उन तमाम मीटिंग्स की जितने मीटिंग्स उसने अटेंड किए हैं और जितने उसने कल किए हैं जितने भी स्टाफ्स है उन जो चीज़ें डिस्कस हुई है आ, आ, जो डिसीजंस लिए गए हैं आए उन पर एक्शन लिए गए हैं या नहीं जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उनके प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है और इसके लिए किसी को किसी ऑफिसर को नोमिनेट करता है कि बायदा उन रिकॉर्ड्स को मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक्स पर्सनल फाइल एस डी ओ की रिस्पांसिबिलिटीज़ में से एक अहम रिस्पांसिबिलिटी है डेट ही इंश्योर दैट सर्विस बुक्स पर्सनल फाइल्स ऑफ़ द स्टाफ्स आर मेंटेन प्रॉपरली एंड डेट आर रिक्वायर्ड इंट्रीज़ इन दॉरेज बुक्स आर मेड इन टाइम जितने भी रिक्वायर्ड इंट्रीज होती है फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्कूल टीचर्स है उनके सर्विस को बाकायदा वेरीफाइड किया जाता है उनके अलाउंसेस की इंट्रीज की जाती है इसी तरह उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की इंट्रीज की जाती है इसी तरह और जितने भी उनके रिड्स होते हैं उनकी इंट्रीज इसी तरह जितने भी बेसिक्स पे की इंट्रीज होती है जो हर साल उसमें एडिशंस की जाती है तो बायदा उनकी इंट्रीज और उनकी उनको काउंटर साइन किया जाता है तो इसी तरह डेटा कलेक्शन एंड एनालिस ऑफ प्राइमरी स्कूल ही कोऑर्डिनेट विद ई एम आई एस ई एम आई एस स्टैंड फॉर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इन्फार्मेशन सस्टम एंड डी ई एम आई एस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू कलेक्ट डेटा फ्राम पब्लिक एंड प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स एस डी ओ कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ ताउन करते हैं ई एम आई एस के साथ एंड डी एम आई एस के साथ और जितने भी पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल प्राइमरी स्कूल होते हैं उनसे डेटा की कलेक्शन की जाती है फिर उन्हीं कलेक्टेड डेटा की बेस पर वो देखते हैं उन स्कूल्स के आइडेंटिफिकेशन करते हैं जहाँ पर एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है फॉर एग्जांपल रूम्स की ज़रूरत होती है फर्नीचर की जरूरत होती है या स्टाफ्स की ज़रूरत होती है टीचिंग स्टाफ की नॉन टीचिंग स्टाफ की या और भी जितने भी एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो उन कलेक्टेड डेटा की बेस पर उनको एनालाइज़ किया जाता है एंड टू आइडेंटिफाई स्कूल देट आर परफॉर्मिंग वेल इसी तरह जो स्कूल अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं जो एजुकेशन ऑब्जेक्ट को अचीव कर रहे हैं स्टैंडर्ड के काम कर रहे हैं तो उन स्कूल की आइडेंटिफिकेशन भी की जाती है उनको अप्रिशिएट किया जाता है इसी तरह अदर ड्यूटीज़ एनी अदर ड्यूटीज़ असाइन बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी तो ये थे कुछ मेन रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एस अगर किसी को ये तमाम जॉब डिस्क्रिप्शन एम एस और फॉर्म में चाहिए तो कहें मुझे ई कर ले मैं आपको यह तमाम जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ एस आपको मैं प्रोवाइड कर लूँगा